अगर मैं कहूँ बिजनेस सक्सेस की चाबी इस ताले में है तो आप मुझ पे हंसोगे, बट ऐसा ही कुछ हुआ है गोदरेज ग्रुप के साथ। काफी सारे फेल्ड बिजनेसेस और अपने फेल्ड लॉ करियर के बाद अर्देशिर गोदरेज के हाथ में लगी एक चाबी। अर्देशिर गोदरेज और उनके भाई पिरोशा गोदरेज ने मिलकर 1897 में लॉक्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने मिलकर गोदरेज को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। फिर जाकर 1918 में गोदरेज सोप्स लिमिटेड शुरू की, जो वर्ल्ड की फर्स्ट सोप थी जो बिना किसी एनिमल फैट के बनी थी, जिसे आज हम सिंथॉल के नाम से जानते हैं। गोदरेज के बॉक्स लॉक्स इतने सेफ थे कि जब फर्स्ट टाइम इंडिया की आजादी के बाद इलेक्शंस हुए, उसके लिए गोदरेज ने 1.7 मिलियन बैलेट बॉक्सेस मैन्युफैक्चर किए। पर पिरजोशा गोदरेज का एक मूव जो आज तक गोदरेज ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा, वो था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम मुंबई में ब्रिटिशों से ली गई 3,000 एकड़ जमीन, वो भी बस 30 लाख रुपए में खरीदी, जिसकी आज की वैल्यू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।